दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक महिला की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनके जन्म कुंडली में बन रहे कुछ विशिष्ट योगों से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा और ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके बलबूते पर ये स्वयं के दम पर अपने घर परिवार का संचालन भी कर रहे हैं और सभी को अपने साथ में लेकर चल भी रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ग्रह अवस्था है आज उसकी भी मैं जानकारी दूंगा और उनकी कुंडली में बन रहे कुछ ग्रह योग से जुड़े प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, आप भी इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और साथ में अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। जन्म की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, 4 अक्टूबर 1984 और जन्म का जो समय है दोपहर में 1:34 का है और जन्म स्थान लुमडिंग ये असम में आता है। आप जब नाम डालेंगे, आप दिख ही रहा है यहाँ पर, आपको नाम डालेंगे आपको मिल जाएगा। इसके आधार पर इनकी जो जन्म कुंडली बनी है ये बनी है यहाँ पर मकर लग्न और मकर राशि की। लग्न और राशि के स्वामी का एक होना यह भी जीवन में अच्छा होता है, व्यक्ति को एक दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं के दम पर कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ शनि की राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि यहाँ लग्न में बैठ करके स्वयं के दम पर बहुत कुछ करने की जो प्रेरणा है, जो एक मन में मजबूती है, वो अवश्य प्रदान करेगा ये, जो कि एक अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्रमा है यहाँ पर, ये अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में बैठा है और श्रवण नक्षत्र में बैठा चंद्रमा बलवान होता है। ये नक्षत्र में हो करके हर चीज़ को सीखना, सीखते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना और कुछ नया करते रहना, इसका गुण अच्छा होता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी होगी कि ये जो चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठे हैं, ये इनके शुभ गुणों में वृद्धि ही करेंगे, जीवन में सफलता में वृद्धि ही करेंगे। ये बात जरूर होती है कि जब भी लग्न में चंद्रमा हो या फिर आप ये समझिए कि शनि की राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति कल्पना बहुत अधिक करता है, अधिक बातें सोचना, चिंता करना। और फिर देखिए, लग्न में है तो कई बार हर एक व्यक्ति की चिंता करना, स्वयं की भी चिंता रहती है, घर परिवार की भी चिंता रहती है, ये बात ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक बात है कि शनि के प्रभाव में है तो कई बार स्वयं की जो कमजोरियां है, स्वयं को जो कष्ट हो रहा है, उसको इतना ध्यान नहीं देंगे, अन्य की पीड़ा को ज़्यादा जल्दी सही करने का प्रयास करेंगे, अन्य की पीड़ा के कारण जल्दी घबरा भी जाएंगे, लेकिन स्वयं को बड़ी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो ये स्वभाव ये लग्न स्थित चंद्रमा प्रदान कर देता है। हालांकि भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास हो या फिर ये अपनी बुद्धि विवेक से सब काम अच्छी तरह कर पाए, इस तरह की जो बातें हैं ये बढ़ जाती है, तो ये चंद्रमा यहाँ पर खराब नहीं होंगे। सप्तम के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं तो निश्चित ही व्यापारिक गुण इनको प्रदान करेंगे, अन्य का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। लग्न में होने से ये बात है कि जब भी सप्तमेश लग्न में होता है तो कहीं ना कहीं जो भी साथ में जुड़े इनके साथ में, वो इनके पक्ष में हो या विपक्ष में, सभी को अपने अंडर में लेकर के चलने का गुण ये चंद्रमा प्रदान कर देता है। तो ये बात अच्छी है, लग्न में भी चंद्रमा है तो अच्छे ही प्रभाव में है, ऐसी कोई विशेष कमजोरी में नहीं आया है। और विशेष बात क्या है कि दिन के समय का जन्म है। अब दिन के समय का जन्म है तो क्या होगा कि यहाँ पर सूर्य भी बलवान रहेंगे, तो चंद्रमा और सूर्य जिस कुंडली में बलवान होते हैं, अच्छे अवस्था में होते हैं, उस कुंडली में बाकी ग्रह अवस्था थोड़ी कमजोर भी होती है, तो ये दोनों ग्रह उसको बलवान कर देते हैं। तो इसीलिए ये बात अच्छी है कि लग्न स्थित चंद्रमा और दिन का जन्म, इनको ये चंद्रमा शुभ परिणाम देने का काम करेगा। आप नवमांश की स्थिति में चंद्रमा को देखिए, उच्च राशि में गया है, जो भी अच्छी बात है, यानी जीवन में विवाह के पश्चात और अच्छी तरह कार्य करना और अच्छी तरक्की ये प्राप्त कर पाए स्वयं से, ये सब बातें आती है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम अगर देखें तो लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर शनि बनते हैं। तो लग्नेश का कुंडली के दशम भाव में बैठना या द्वितीयेश का कुंडली के दशम भाव में बैठना अपने आप में एक राजयोग होता है, बहुत अच्छे परिणाम को देने वाला होता है। लग्नेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, कर्म में जो रुचि है, कर्म में जो मन है, वो अधिक लगता है, क्योंकि दशम भाव में आपका व्यक्तित्व जुड़ गया है। तो व्यक्तित्व जुड़ गया है तो कहीं ना कहीं आपकी जो रुचि है, आपका जो मन है, उसी में लगा रहेगा। और आप ये देख पाएंगे कि ये जो शनि का प्रभाव है यहाँ पर दशम भाव में, ये यहाँ पर उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो लग्नेश का कुंडली के दशम में और वह भी उच्च राशि में होना,
निश्चित ही जीवन काल में स्वयं के दम पर बड़ी सफलताओं को ये दर्शाता है। और ये बात होती है कि देखिए लग्न में चंद्रमा है जो मन को भटकाएगा। चंद्रमा का काम क्या है? उतार चढ़ाव प्रदान करना। जहां चंद्रमा रहता है वहां उतार चढ़ाव प्रदान करता है। तो लग्न क्या है? लग्न आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, तो उसमें ये चंद्रमा उतार चढ़ाव बनाएगा। अब शनि का प्रभाव उसमें अगर आप जोड़ेंगे तो शनि थोड़ा कठोर स्वभाव का हो जाता है, तो कई बार थोड़ा गुस्सा आना या थोड़ी क्रोध की मात्रा बढ़ना, ये सब बातें बढ़ जाती है। और एक और बात होती है कि ऐसा नहीं बोल सकते कुछ भी चीज लंबे समय के लिए रहेंगी, क्योंकि चर लग्न है। चर का अर्थ होता है चलायमान, चलते रहना। तो इस कारण से ये होता है कि कहीं ना कहीं जो इनका मतलब मन है वो चलते रहता है। ये स्वयं से भी मतलब गुस्सा भी आया तो कुछ देर, अगर कुछ हंसी मजाक भी कर रहे तो कुछ देर, लंबे समय तक स्थिर किसी चीज़ पर रहना इनके स्वभाव में चंद्रमा उत्पन्न नहीं करता। और एक बात अगर इसमें देखी जाए तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि चंद्रमा जो है मतलब शनि जो है इनकी कुंडली में दशम भाव में बलवान है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी यहाँ पर शनि को जो बल है वो अच्छा मिलता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो दशम भाव में उच्च राशि में ये बैठे हैं, तो सफलता अवश्य दिलाने का ये काम जरूर करेंगे और जीवन में सफलता आदि के लिए अच्छे ही रहेंगे। यहाँ एक और बात है कि मकर लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि दोनों किसी भी भाव में वैसे तो साथ में बैठते हैं, तो जीवन में अच्छे ही परिणाम देते हैं। यहाँ पर तो कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं साथ में, जो अपने दम पर बड़ी सफलताओं को दर्शाते हैं। ये बात जरूर है कि दशमेश और लग्नेश दोनों दशम भाव में होकर कई बार कार्य आदि में इतना मतलब उलझा देंगे, इतना काम में लगा देंगे कि जो सुखों का भोग है वो न कर पाए, वैवाहिक जीवन जो फिर पूरी तरह अनुकूल रहना चाहिए वो न रह पाए, ये बात कई बार देखने को मिलती है। ये जरूर होगा कि तुला राशि में लग्नेश के होने से, तुला राशि में दशम भाव के स्वामी के होने से हर चीज़ को बैलेंस करने का गुण इनके अंदर बहुत अच्छा विद्यमान होगा। मतलब हर चीज़ को, परिस्थिति को संभालना, मैनेज करना, जब भी तुला राशि में अधिक ग्रह हो या प्रमुख ग्रह हो तो ये बातें बढ़ जाती है। तो ये निश्चित ही इनके लिए अच्छा योग है और अच्छा ही परिणाम देगा। मालव्य योग भी है क्योंकि यहाँ पर, और शश योग भी है, दोनों ही लग्न में कारक होकर के प्रभाव देंगे, तो दोनों का ही प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, शुक्र शनि की युति में जो भोग विलास या वैवाहिक जीवन की स्थिति होती है उस पर असर पड़ता है। यहाँ असर पड़ने का प्रमुख कारण कार्य में अधिकता रहेगी, कर्म प्रधानता रहेगी, ये कर्म को अधिक प्रधानता देंगे, उसके कारण भी कुछ वैवाहिक जीवन आदि पर इसका असर पड़ेगा। इतनी मतलब उसमें पूरी तरह मतलब इनका रुचि ना रहे, इतना मतलब भोग उसमें ना कर पाए, किंतु ये जरूर बोल सकते आप कि जीवन में सुख सुविधा की जितनी भी लग्जरी की वस्तुएं होती है अपने जीवन काल में अर्जित कर पाएंगी। शुक्र और शनि साथ में हो तो जमीन आदि से लाभ होता है, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ों से लाभ होता है, नौकरी में धन आदि के लिए अच्छा हो जाता है, सफलता धीरे धीरे करके मिलती है। शनि दशम में है, धीमी गति से ही मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। चतुर्थ पर दृष्टि है, एक से अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन का ये जो सुख है ये ग्रह अवस्था प्रदान करती है, तो ये बात अच्छी है। यहाँ पर सफलता के लिए मतलब जो ग्रह योग है ये बहुत अच्छा परिणाम दर्शा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि कुंडली में जो दूसरे प्रमुख ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध। बुध छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो मुख्य राशि है कुंडली के लाभ भाव माफ कीजिएगा भाग्य भाव में आने से ये भाग्येश बन जाती है। और भाग्येश होकर के अपनी ही राशि में उच्च राशि में 12 अंश पर बैठेंगे, बलवान होकर के बैठेंगे, तो निश्चित ही अच्छा प्रभाव ये प्रदान करेंगे। यहाँ पर ये अस्त जरूर हुए हैं, देखिए आप 8 डिग्री का अंतर है, लेकिन 12 डिग्री पर बुध अस्त हो तो उसके बल में वृद्धि ही होती देखी गई, कमजोरी का प्रभाव नहीं आता है। तो इसीलिए सूर्य बुध का यहाँ पर एक साथ बैठना निश्चित ही शुभ फलों में वृद्धि करेगा और मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है। सभी अपना जो अपने ऊपर जो कार्यभार है, जो जिम्मेदारियां है, उनका वहन अच्छी तरह करना, सभी को अपने अंडर में अच्छी तरह ले करके चलना, और उसमें ईश्वर का भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। साथ में ये भी मतलब धार्मिक स्वभावों से भी जुड़ा हुआ इनका स्वभाव निकल के आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त आप अगर देखिए कुंडली के 12वें भाव में गुरु मंगल की युति देखेंगे, गुरु का किसी पापक ग्रह के साथ 12वें भाव में बैठना यह दर्शाता है कि इनका जहाँ पर जन्म हुआ होगा उसके आसपास कोई न कोई धार्मिक स्थान या मंदिर आदि अवश्य रहा होगा। इसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि गुरु 12वें भाव में पीड़ित हो रहे हो, वैसे मंगल के साथ में है, मित्र के साथ में है, लेकिन शनि की दृष्टि में है, तो परिणाम स्वरूप यहाँ गुरु को कमजोर माना जाए, वैसे अपनी राशि में है लेकिन फिर भी कमजोर माना जाएगा। ऐसी अवस्था में ये देखने को मिला कि घर के आसपास मंदिर आदि होता है, वो इसीलिए होता है कि व्यक्ति उससे जुड़ा रहे, क्योंकि एक बात देखने को मिले कि इसको पूर्व जन्म से कनेक्शन जो गुरु का आता है वो ये बताता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी न किसी प्रकार से कोई
मंदिर का या कोई धार्मिक स्थान का कुछ न कुछ नुकसान करवाया हो, या ऐसे जो नुकसान करते हैं उनके ऊपर मतलब उनका साथ दिया हो, तो ये बातें मतलब गुरु का प्रभाव से बढ़ती है। और इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि जितना अन्य के लिए किया जाता है उतना नहीं मिलता, अन्य से जो अपेक्षाएं रहती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। और शनि की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि में बता चुका हूँ, गुरु पर होने से पारिवारिक संबंधों के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। शुक्र शनि साथ में होंगे तो शुक्र में बल में तो कमी आएंगी ही, दोनों विरोधी ग्रह है, क्योंकि तत्व विरोधी, विरोधी मतलब दोस्त मित्र दोनों अच्छे हैं किंतु विरोधी तत्व के आधार पर है, एक वैराग्य का और एक भोग विलास का कारक है। तो परिणाम स्वरूप वैरागी प्रवृत्ति बढ़ेंगी लग्न के और गुरु के प्रभाव से, किंतु ये बात जरूर है कि यहाँ पर ये उलझन उत्पन्न कर देते हैं। और इसे में शुक्र कमजोर हो जाने से कई बार लड़के के घर में अन्य जो स्त्री वर्ग में हो उनसे संबंधों में कमजोरी आना ये बात दिखती है। हालांकि भले इनका स्वभाव हो हर चीज को बैलेंस करना, लेकिन जो कमजोरी है वो तो नजर आती ही है कई बार। उसके अतिरिक्त गुरु पर भी शनि की दृष्टि यही करती है, ये थोड़ा कमजोर हो जाता है पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से। अन्यथा गुरु अपनी राशि में है, 12वें भाव में है, तो ये बात भी देखने को मिलती है कि कहीं बाहर भी जाना चाहे, बाहर रह करके कोई काम करना चाहे, उसमें भी कमी नहीं आती है। ये गुरु 12वें भाव में बैठ करके धन को सही दिशा में लगाने की सीख भी प्रदान करते हैं। मतलब खर्च भी होता है तो सही मार्ग पर, ऐसा नहीं कि कोई गलत या अनुचित मार्ग पर धन का खर्च होता है या फिर व्यर्थ में धन का नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। स्वयं से सही मार्ग पर धन खर्च करने का गुण इनके अंदर विद्यमान होता है, तो ये अच्छी बात है। मंगल और गुरु की युति बहुत अच्छी होती है, सुनने और समझने की क्षमता को तेज कर देती है। किसी बात को भी गहराई तक सीखना, पकड़ लेना, मतलब किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट को पकड़ कर लेना, ये बातें देखने को मिलती है, जल्दी सीख जाना। क्योंकि देखिए मंगल जो है, मंगल दर्शाते हैं ऊर्जा, पराक्रम, मेहनत को, और गुरु ज्ञान के कारक है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति मेहनती हो, ज्ञानी, मतलब कोई ज्ञानी हो तो हो सकता है कि वो मेहनत ना करे, या फिर हो सकता है कि उसमें बल इतना ना हो, लेकिन जो बलवान भी हो और मेहनत भी हो और साथ में ज्ञान भी हो, ये सब बातें केवल गुरु और मंगल की युति में देखने को मिलती है। यानी ये ज्ञान भी अच्छा उपयोग में लेंगे, अपनी बुद्धि का भी उपयोग अच्छे से करेंगे, यानी जिस समय पर जिसका आवश्यकता पड़े उसका उपयोग करके जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ये गुरु मंगल की युति इस प्रकार से इनको शुभ परिणाम देती नजर आएंगी और अपनी मैनेजमेंट क्षमता से, अपनी बुद्धि से ये सभी कार्यों को कर लेंगे। यहाँ गुरु का प्रभाव भी चतुर्थ भाव पर भी आता है, सुखों के आदि के लिए अच्छा है, आध्यात्म धार्मिकता आदि के लिए अच्छा है, शत्रुओं से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, और मतलब मुख्य रूप से ये बात होती है कि ऋण आदि से बचाने के लिए गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। बस मंगल की बात है, मंगल छठे भाव को देखते हैं। आप जानते हैं मैं बता चुका हूँ कई बार कि किसी को भी पैसे दिए जाए वो पैसे प्राप्त नहीं होते, मिलने में बहुत परेशानी कई बार का होती है। और ये बात भी होती है कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होने से कई बार रिश्तेदार आदि को पैसे दे दिए और वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, डूब गए हैं, फंस गए हैं, इस तरह की बातें बढ़ जाती है, उससे बचना चाहिए। और मंगल का प्रभाव छठे भाव पर हो तो ये 12वें भाव में बैठकर ये सुनिश्चित करते हैं कि जीवन में कितना भी कर्ज इनके ऊपर क्यों ना चढ़ जाए। समझिए अभी तो नौकरी कर रहे हैं, बाद में किसी कारण के चलते इनको कर्ज लेना भी पड़े तो भी ये तय समझिए कि वो कर्ज उतार पाएंगे। कर्ज के कारण इनको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी, कर्ज इनको परेशान नहीं करेगा। बारे यहाँ लाभ भाव के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं, तो ऐसे में कर्ज लेने से तरक्की भी होती है। अगर स्वयं का कोई काम करना हो तो कर्ज लेकर के प्रारंभ किया जाए तो बड़ी सफलता के योग बन जाते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में है तो कई बार ये कोशिश करवाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि कोई व्यर्थ की चीज़ों में नुकसान हो गया या जहां आवश्यकता नहीं थी वहां अधिक खर्च कर दिया। गुरु बचाएंगे लेकिन मंगल थोड़ा अपना काम करेंगे, तो उससे बचे तो बहुत अच्छा रहेगा और बिना किसी परेशानी के प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त राहु केतु की चर्चा शेष है, तो राहु यहाँ पर पंचम भाव में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचम भाव के राहु जो है वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक में कोई कमी नहीं करते। पंचम भाव के राहु ये बात होती है कि टेक्निकल माइंडेड बनाते हैं, हर चीज़ को जल्दी सीखने वाला बनाते हैं। कमजोरी जो मैं आपको बताते आया हूँ वो यही रहती है कि कई बार एक चीज़ में फोकस कर पाना कमज़ोर हो जाता है। मतलब आज किसी एक चीज़ में फोकस है, फिर कई मन बदल रहा है, फिर कुछ मन बदल रहा है, ये बात बढ़ जाती है। नहीं तो लाभ भाव के केतु भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य के चलते जीवन काल में जो भी सुख सुविधा चाहिए वो दिलाने का ही काम करते हैं। तो ये केतु का प्रभाव अच्छा होता है, और बुध का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि शुक्र का प्रभाव भाग्य आदि के दृष्टिकोण से कोई कमजोरी उत्पन्न नहीं कर रहा है। राहु भी उच्च राशि में कहा जा सकता है, अच्छे प्रभाव को देने वाला बोला जा सकता है, और त्रिकोण में बैठा राहु यूं भी शुभ परिणाम देता देखा ही गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ
ये बात भी है कि संतान को लेकर के इनके मन में अधिक चिंता रहे, ये राहु ये भी करवाता है। किंतु ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी विशेष खराबी नहीं कहेंगे जो जीवन में परेशानी देने का काम करे, क्योंकि शुक्र जो इस भाव का स्वामी है वो अपनी ही राशि में बलवान होकर बैठा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पर बस ये भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार राहु ऑनलाइन काम में लगा दे वो तो अच्छा है, किंतु कई बार ये भी करता है कि पूरी तरह से जो मन होता है वो कई बार मोबाइल आदि में लगे रहना या व्यर्थ की चीज़ों में लगे रहना उन चीज़ों को बढ़ा देता है। उससे थोड़ा बचे तो परिणाम जीवन काल में और अच्छा मिलेगा और सभी प्रकार की जो स्थिति है शुभ फल में वृद्धि करती नजर आएंगी। अब ये सब तो इनकी कुंडली के ग्रह योग का प्रभाव हुआ, नवमांश में भी आप ग्रहों को मिला पा रहे हैं। लग्न के स्वामी जो शनि आपको उच्च राशि में दिख रहे हैं, नवमांश में वो नीच राशि में गए हैं, जिससे उसके फल में कमजोरी आएंगी। जितना जल्दी असर मिलना चाहिए, जो काम जल्दी बनना चाहिए, उसमें संघर्ष बढ़ जाएगा। और ये बात जरूर है कि नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव का लग्न उदय हुआ है, तो ये बात देखने को मिलती है कि जीवन काल में विवाह उपरांत सुखों के लिए अच्छा हो जाता है, सुख संसाधन में कमी नहीं करता, ये प्रभाव कम से कम अच्छा है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको कहूँ तो एक बात ये भी है कि देखिए शनि यहाँ पर मेष राशि में है, परिणाम स्वरूप वो भी वही स्थिति उत्पन्न करेगा, थोड़ी देर में गुस्सा थोड़ी देर में शांत वाला प्रभाव, तो ये बातें थोड़ी रहेंगी। लेकिन शुक्र का प्रभाव अच्छा हुआ है, शुक्र यहाँ पर भी अपनी स्वयं की राशि में है, नवमांश में भी अपनी उच्च राशि में गए हैं, तो ये परिणाम मतलब अच्छा देंगे और यहाँ पर उच्च राशि में जा करके शुक्र के बल में वृद्धि ही होगी। हालांकि एक कमाल की बात यह है कि षडबल में अगर आप देखेंगे तो जो इनके शनि है वो सर्वाधिक बलवान ग्रह है, मतलब जो अंक शनि को मिलते हैं उससे कई गुना अधिक शनि बलवान है। अब लगने से मतलब ये बात तय है कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, किंतु ये बात भी है कि आप जानते हैं कि शनि किसी भी कुंडली में बलवान हो, भले कारक हो या अकारक हो, लेकिन ये बात तय है कि कार्य में विलंब होगा, मेहनत और संघर्ष अधिक करना पड़ेगी। लेकिन आप देख ही पा रहे हैं, कहने की बात नहीं, इनकी कुंडली में जो ग्रह अवस्था बलवान है इसी के परिणाम स्वरूप इनको जो जीवन में अच्छा परिणाम मिल रहा है या अपने घर का संचालन ये कर रही है, ये बात जरूर देखने को मिलती है। राहु और केतु भी बैठ करके जो जिस स्थिति में है ये इनकी सोच को बड़ा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि संकुचित मानसिकता का नहीं बनाते। शनि कई बार ये स्थिति उत्पन्न करते हैं कि मानसिकता को छोटा कर दे, मतलब घबराना हर कोई काम करने में, परिवर्तन करने में, लेकिन राहु केतु ऐसा नहीं करने देते। राहु केतु तो अपनी सोच को और बढ़ाने का, अपने कार्य को बढ़ाने की जो सीख है वो प्रदान करते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो यहां पर यही कहा जाएगा कि नवमांश में भी ग्रह अवस्था में विशेष कमजोरी तो नहीं आई है, गुरु भी उच्च राशि में गए हैं, मंगल भी चंद्रमा मंगल दूसरे भाव में साथ में हो तो ये अच्छा हो जाता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इनके जीवन साथी को इनसे लाभ हो। अब ये तो ठीक है, एक सामान्य सी बात है कि अभी ये कार्य करे तो लाभ हो रहा है, लेकिन ये योग आपको अगर देखना है तो नवमांश में दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल हो, बलवान हो, तो निश्चित ये जीवन साथी को इनसे लाभ होगा, इस तरह की स्थिति दर्शाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मंगल लग्न के स्वामी है, चंद्रमा चतुर्थ के स्वामी होकर उच्च राशि में है, तो निश्चित ये जो नवमांश में ग्रह अवस्था बनी है ये इनको जीवन काल में उच्च सफलता अवश्य दिलाने का काम करेंगी, अपने दम पर अच्छा धन ये अर्जित कर पाएंगे, जीवन में सुख आदि को अर्जित कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब अर्जित कर पाएंगे, लेकिन मन में प्रश्न हो सकता है कब अर्जित कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इनको वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु इनकी कुंडली के 12वें भाव और 3रे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में ही बैठे हैं। अब गुरु को यहाँ पर देखेंगे तो 12वें भाव में होकर के कोई भी ग्रह, न केवल गुरु, कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, उसकी दशा आती है, तो ये बोल सकते हैं कि ऐसे प्रमुख कोई ग्रह नहीं है पहले तो इस कुंडली में गुरु। दूसरे नंबर की प्रमुख बात ये है कि 12वें भाव में बैठे ऐसे कोई केंद्र या त्रिकोण आदि जैसे प्रमुख भावों में भी नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर जो गुरु के दशा के अंदर जो शुभ परिणाम या उच्च सफलता अच्छी मिल जानी चाहिए, उसमें कुछ न कुछ कमी का प्रभाव जरूर बनता नजर आएगा। क्योंकि गुरु जो है अब है तो 12वें भाव में, भले अपनी राशि में है तो सत्कर्मों में लगाए, अच्छे परिणाम को बढ़ाने का ही काम करे, ये सब बातें रहेंगी, लेकिन धन के दृष्टिकोण से जो अच्छा परिणाम देना चाहिए उसमें तो कुछ कमी तो अवश्य से नजर आएंगी ही। तो ये बात गुरु में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी गुरु में केतु चल रहे हैं, जो इस साल यहाँ इनको चलने वाले हैं जून तक। अब ये जून के पश्चात से जो समय चालू होगा वो इस गुरु की दशा में अच्छा समय रहेगा, मतलब शनि बुध भी कोई खराब नहीं थे लेकिन अभी बीच में केतु आए होंगे। अब लाभ भाव के केतु जो मंगल के समान और मंगल की राशि में प्रभाव देने वाले हैं, गुरु से 12वें पढ़ते हैं,
अब गुरु से 12वें पढ़ते कहने का मतलब क्या कि खर्च को बढ़ा दे, स्वास्थ्य को कमजोर कर दे। ये गुरु में केतु की दशा इस तरह का प्रभाव दे रही है। अब ये बात है कि अधिक मेहनत के साथ में जीवन काल में परिणाम देता है ये, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि गुरु में केतु आध्यात्मिक आदि दृष्टिकोण से अच्छा होता है, लेकिन मेहनत बड़ी चढ़ी रहती है तब जाकर ही अच्छा परिणाम मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो एक बात क्या है कि अभी केतु में गुरु में शुक्र लगेंगे, तो देखिए इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में अभी गुरु का गोचर होने वाला है कुछ ही समय में। यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि गुरु में जो शुक्र है वो समय चलने पर दशम भाव इस शुक्र से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव पंचम भाव भी होगा, संतान आदि के योग भी निर्मित करेगा। दशा 3 साल की होती है, 26 तक चलेगी, किंतु इसी समय अवधि पर आप ये बोल सकते हैं कि इनके लिए परिणाम जो है ये इनको मतलब प्रमोशन दिलाए, कार्य में पदोन्नति और धन में वृद्धि हो, इस तरह का पूरा प्रभाव इस गुरु में शुक्र की अंतरदशा जो 8 जून से लगने वाली है 2023 में ही, उसके उपरांत इनके लिए बनता है। और ये बात देखने को मिलेंगी कि न केवल कार्य में उन्नति मिलेंगी, तरक्की मिलेंगी, बल्कि एक अच्छा परिणाम भी इनको जीवन काल में बनता नजर आएगा। तो ये बात इनके लिए अच्छी आ रही है, मतलब जीवन में सफलता आदि के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा आ रहा है। और गुरु में शुक्र, गुरु में सूर्य, फिर गुरु में चंद्रमा की बात करें तो वो भी, गुरु में फिर मंगल आएंगे। गुरु मंगल थोड़ा सा मतलब कमज़ोर रहेगा हेल्थ आदि के लिए, किंतु चंद्रमा में भी थोड़ी हेल्थ के लिए तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी, किंतु ये बात है कि ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गुरु में राहु में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ सकता है, वो अभी से बहुत दूर की बात है, लगभग 5-6 वर्ष का समय है, किंतु स्वास्थ्य में परेशानी मतलब वही कि उनको कोई भी मतलब वो कार्य करे तो ध्यानपूर्वक करे, जल्दीबाजी ना करे, उस समय की दशा आदि के अनुसार कुछ उपाय करे, भाई इतनी ही बातें ध्यान रखने योग्य होती है। बाकी तो मुख्य दशा गुरु की अच्छी ही है, मेहनत जरूर करवाएंगे 12वें भाव में और 3रे भाव के स्वामी होने से, किंतु ये बात अवश्य है कि अभी आगे जो दशाएं आने वाली है उसमें परिणाम में शुभता भी है। और गुरु का दशम भाव में गोचर, ये कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूँगा कि घर परिवार में चिंता या कलह की स्थिति न बने उसका ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का। और चतुर्थ भाव में मतलब मैं मंगल की राशि में रहेगा तो कोई भी जमीन सुख आदि में वृद्धि करने के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति फ्रॉड ना करे और सही तरह से मतलब जान पहचान के व्यक्ति से ही कोई वस्तु खरीदे, क्योंकि शुक्र में आप चाहे तो भूमि भवन वाहन पर खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि कोई अनुचित व्यक्ति आपसे धोखाधड़ी करने का प्रयास न करे, उसका ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छा परिणाम ही प्राप्त होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल कुंडली वैसे अच्छी है, कुंडली में ग्रह अवस्था में कोई खराबी नहीं है। हाँ, गुरु के 12वें भाव में होने से, शनि की दृष्टि होने से ये हेल्थ को थोड़ा कमजोर कर देता है। और फिर देखिए ना कि सप्तम भाव जो मारक भाव होता है उसका स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो कुछ स्वास्थ्य के लिए कमजोर असर तो वो भी देगा। परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि मौसम बीमारियां, छोटे मोटे रोग तो चलते ही रहते हैं, शुक्र शनि के साथ में होने से कई बार जल्दी मतलब प्रभाव उनका हटता नहीं है, रोग लंबे समय तक कई बार खींचे चले जाते हैं। और फिर गुरु पेट की समस्याओं को भी दर्शाते हैं, गुरु कई बार ही मतलब वजन को कई बार बढ़ाते हुए भी नजर आए, उससे बचना चाहिए। देखिए वजन यहाँ प्रमुख एक रोल निभाएगा, वजन ज़्यादा न हो तो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वजन बढ़ने पर भी थोड़ा हेल्थ में कमजोरी बढ़ जाती है, थायराइड आदि जैसे रोग बढ़ जाए, पीलिया आदि जैसे पहले हुआ हो उसके कारण थोड़ी परेशानी रहे, ये बात बढ़ जाती है। और बाकी मैं बता चुका हूँ, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म होने पर पहला दशा चंद्रमा की होती है तो बचपन में स्वास्थ्य कमजोर होता है, फिर मंगल राहु जैसे पापक ग्रहों या उग्र ग्रहों की दशा आने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, गुस्से में वृद्धि होती है, और उसके उपरांत फिर गुरु की दशा आती है जो इनको चल भी रही है, जिससे स्वभाव में कुछ स्थिरता आने लग जाती है, लेकिन फिर भी जो बचपन से स्वभाव कैरी होकर के आता है वो पूरी तरह नहीं हटता। इसीलिए एक बात आप ये कह सकते हैं कि इनको जो परिणाम मिलेगा वो गुरु की दशा में वैसे मतलब पूर्व के समय से तो अभी अच्छा ही है, तो ये भी चिंता की बात नहीं है। बस इनको चाहिए कि इनकी कुंडली में जो ग्रह अवस्था अच्छी बनी है उसके लिए प्रयास करें, चंद्रमा को ठीक रखें, मतलब मन को शांत रखें, और उसके लिए कोशिश ये करना चाहिए कि सफ़ेद वस्तु का जैसे दान कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करें, समय न भी निकल पाता हो तो ये कोशिश कर सकते हैं कि गले में चांदी की चेन वगैरह को धारण करें, या चाहे तो चांदी की चेन में ही पन्ना या फिर ओपल में से कोई भी एक रत्न धारण करें। वैसे ओपल धारण कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुक्र का प्रभाव इस कुंडली में अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ शुक्र जो स्वराशि में है उसका रत्न धारण करना अच्छा रहेगा, तो ओपल धारण करना इनके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा, तो वो ये कर सकते हैं।
बाकी तो इनकी कुंडली में ग्रह अवस्था अच्छी है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करना और जो भी दान आदि से जुड़ा काम, मतलब दूसरों की सेवा परोपकार से जुड़ा काम जो गुरु की दशा में करते रहे तो वो अच्छा रहेगा और अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। बाकी अपने दम पर अच्छी सफलता ये अर्जित कर पाएंगे। उसकी शुरुआत अभी गुरु के गोचर से हो जाएंगी और इनकी दशा भी जून से चालू हो जाएंगी, तो दोनों से इनको अच्छा परिणाम जीवन में मिलेगा। सफलता और सभी को साथ लेकर के चलने के लिए, सभी के लिए बड़ा करने के लिए इनकी कुंडली बलवान है। और बलवान कुंडली में ग्रह अवस्था भी अगर आप देखेंगे ना ध्यानपूर्वक, तो सभी ग्रह कम से कम डिग्री वाइज भी अच्छे बैठे हुए, ऐसे कमजोर इतने नहीं हुए हैं। तो ये बात भी अच्छी है सफलता आदि के लिए। तो इसलिए बस कोशिश क्या करनी चाहिए कि अच्छे कार्यों से जुड़े रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे और बस स्वयं से मेहनत फोकस होकर के करते रहे, परिणाम अच्छा ही मिलेगा। और बाकी शुक्र को बलवान करना और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना, गले में चांदी की चेन पहनना, चंद्रमा को ठीक रखेगा और दान आदि कोई भी वस्तु का करेंगे तो वो जो स्वास्थ्य आदि में कुछ उतार चढ़ाव ऊपर नीचे बनता है वो भी ठीक होगा, कोई विशेष परेशानी देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये ही इनकी जन्म कुंडली, आप देख ही पा रहे हैं, कोई ज़्यादा विचारणीय विषय नहीं है। कुंडली में ग्रह योग अच्छे ही है, परिणाम उससे अच्छा मिल ही जाता है। बाकी आप फिर भी प्रिय दर्शकों इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।